हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1 जो है उसके कुछ चेक पॉइंट्स करने हैं, उसकी कुछ बैग एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है नेम टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनके आपने दो दो नेम जो है वो बताने हैं। तो फर्स्ट है मोनोकॉटिलेडनस सीड। तो मोनोकॉटिलेडनस सीड कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिनका एक ही कॉटिलेडन होता है, मतलब अगर आप उनको बीच में से तोड़ दोगे तो वो दो इक्वल पार्ट में नहीं टूटेगा। तो ऐसे सीड क्या होते हैं, मोनोकॉटिलेडनस। तो इनकी एग्जांपल है राइस एंड मेज, ठीक है। तो इसके कॉटिलेडन जो होते हैं बीच में से तोड़ने से दो नहीं होते, दो अलग अलग कॉटिलेडन नहीं बनते। नेक्स्ट है डाइकॉटिलेडनस सीड। तो डाइकॉटिलेडनस सीड कौन से होते हैं, जिनको अगर आप बीच में से तोड़ दोगे तो उनके दो इक्वल इक्वल कॉटिलेडन आपको अच्छे से दिखाई देंगे। तो इनमें स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल है बीन की और सेकंड एग्जांपल है राजमा की। और स्टूडेंट टी भी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। आप देखते हो जब हम मटर का जो सीड होता है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो बीच में से, तो उसके दो इक्वल कॉटिलेडन बन जाते हैं। नेक्स्ट सीड डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो ऐसे सीड के आपने नाम बताने हैं जो विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उनकी एग्जांपल है डैंडलियन एंड कॉटन। और स्टूडेंट आप इसको अच्छे से और समझने के लिए मेरी प्लांट रिप्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोसिव मेथड। ऐसे सीड जो एक्सप्लोसिव मेथड से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनकी एग्जांपल है वाल्सम एंड पी। तो स्टूडेंट इनके जो है सीड वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, जब वो फट जाते हैं। इसमें लेडी फिंगर की एग्जांपल भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जब उसका पूरा का पूरा जो फ्रूट होता है स्टूडेंट वो फट जाता है, तो फ्रूट में कितने सारे सीड होते हैं, तो जितने सारे सीड होते हैं उसके वो बिखर कर नीचे गिर जाते हैं, और जहां पे गिरेंगे वो वहां से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट आंसर इन वन वर्ड। अब इनका आपने वन वर्ड के अंदर आंसर देना है। फर्स्ट है प्लांट विच डू नॉट बियर सीड। ऐसे प्लांट जो सीड नहीं बनाते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन सीडलिंग प्लांट, और जो बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीडिंग प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मोल्ड्स एंड मशरूम प्रोड्यूस दिस फॉर रिप्रोडक्शन। तो मोल्ड्स और मशरूम क्या बनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, स्पोर्स। नेक्स्ट कैरेट स्टोर फूड इन दिस प्लांट पार्ट। तो कैरेट अपने कौन से पार्ट के अंदर अपना खाना स्टोर करके रखती है, फूड स्टोर करके रखती है, तो वो है उसकी ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस क्या होती है स्टूडेंट, स्वेलोइंग, ठीक है, स्वेलो रूट, ठीक है। तो स्वेलो रूट फुली हुई रूट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरस, ठीक है। तो ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस स्टेम, ठीक है, तो फुली हुई रूट, फुली हुई स्टेम जो है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट रोज प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ प्लांट। तो रोज जो है, रोज का जो प्लांट है उससे न्यू प्लांट जो है उसके कौन से पार्ट से ग्रो कर सकता है, तो वो है स्टेम कटिंग। तो स्टूडेंट अगर आप रोज के प्लांट से स्टेम उतार लोगे, उसको कट कर दोगे, और अगर आप उसको सॉइल में लगा दोगे तो उससे न्यू प्लांट जो है रोज का वो ग्रो कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं स्टेम कटिंग। नेक्स्ट थर्ड है स्टूडेंट फिलिंग द ब्लैंक, जो कि आपकी बुक में थर्ड चेक पॉइंट है। उसमें फर्स्ट है ग्रोइंग डैश इन द फील्ड बाय फार्मर फॉर कल्टीवेशन। तो जो कल्टीवेशन के लिए प्लांट, छोटी छोटी क्रॉप्स जो ग्रो करता है अपने खेतों में, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। नेक्स्ट डैश क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन, तो खरीफ। इसका आंसर क्या आएगा, खरीफ क्रॉप जो है उन्हीं को हम गर्मियों में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजर आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश सब्सटेंस। तो फर्टिलाइजर कहाँ से बनते हैं, मैन मेड सब्सटेंस, जिनको ह्यूमंस बनाते हैं उन्हीं से बनते हैं ये केमिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर। और इनको किसमें यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वाटर इन द प्लांट इज कॉल्ड डैश। तो
पौधों को पानी देना, प्लांट्स को पानी देना क्या कहलाता है? इरिगेशन। ठीक है, सो होप स्टूडेंट आपको तीनों चेक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।